Hello students, today in this video we are going to learn this poem, lesson number 9, Merry Go Round. अब लेसन के नेम से ये पोएम के नेम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये किस पे है, मैरी गो राउंड. यहाँ पे ये पिक्चर है. जब ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहती हूँ हर एक वीडियो में, आपको ये टेक्स्ट बुक अपनी साथ में रखनी है. मैरी गोल्ड बुक है वो, आपको अपने साथ में रखनी है, उसे रिफर करना है पिक्चर्स के लिए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो. मैरी गो राउंड, एज यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड क्या होता है आपको पता ही है. फर्स्ट आई विल रीड द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू. आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन. Around and round and up and down. Around and round and up and down. I sat high up on a big brown horse and rode around. On the merry-go-round and rode around. On the merry-go-round I rode around. On the merry-go-round and round and round. अब मैरी गो राउंड मीन्स क्या होता है, जो आप जाते हो फेयर में, मीन्स मेले में जाते हो आप, तो वहाँ पे वो गोल गोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड कहते हैं. हम फेयर में उसे हम कहते हैं मैरी गो राउंड. और वहाँ पे वो मैरी गो राउंड में ऊपर काफ़ी वहाँ पे लगे होते हैं, जैसे हॉर्स होता है, हॉर्स दिया होता है, कहीं कोई कार होती है, वैसे. अब ये गर्ल कहाँ गई है, फेयर में गई है और वहाँ मैरी गो राउंड है. मैरी गो राउंड वो जो घूमती है, जैसे चकेरी हम जैसे कहते हैं उसे, वो जो मैरी गो राउंड घूमता है वो है, और उसके ऊपर वो कहाँ बैठी. तो वो मैरी गो राउंड कैसे घूमता है, राउंड एंड राउंड. आई क्लाइंब अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. वो मैरी गो राउंड कैसे चलता है, राउंड एंड राउंड, गोल 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 घूमता है. एंड वो फिर गर्ल किस पे चढ़ी, आई क्लाइंब अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड आई वेंट इट अप एंड डाउन. अब वो मैरी गो राउंड पे वहाँ पे हॉर्स पे बैठी थी ऊपर, तो हॉर्स तो कैसे चलता है, वो ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वो ऐसे 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 करके चलता है. तो हमें क्या लग रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, अप एंड डाउन. तो वो मैरी गो राउंड पे बैठी और वो राउंड एंड राउंड था. फिर वो हाउ हॉर्स पे चली, हॉर्स पे चढ़ी, यहाँ पे ये पिक्चर में दिख रहा है वो कैसे हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था. और वही बता रही है उसमें कि राउंड एंड अप एंड डाउन वो वैसे ही इंजॉय कर रही थी उसकी राइड को, है ना. दैट्स ऑल, ये इतना ही, ये पोएम में अपना एक्सपीरियंस बता रही है फेयर में. नाउ नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन अवर नोटबुक एक्सरसाइज. यू हैव टू फिल दिस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. गो राउंड द मैरी गो राउंड, सर्कल द लेटर्स एंड से देम अलाउड. अब यहाँ पे लेटर्स दिए हुए ए बी सी डी, ये आपको सर्कल करना है इन पे और आपको बोलना भी है. ये यहाँ पे ये देखो सारे मैरी गो राउंड पे सारे लेटर्स लिखे हुए, सारे लिखे हुए ए टू जेड. तो आपको वो सर्कल करते जाने लेटर्स और उनको लाउडली बोलना भी है. नाउ वी मूव टू अवर नोटबुक एक्सरसाइज. लेसन नंबर 9, मैरी गो राउंड. न्यू वर्ड्स, नंबर 1 क्लाइम, नंबर 2 वेंट, नंबर 3 राउंड, नंबर 4 ब्राउन, नंबर 5 हॉर्स, नंबर 6 राइड, नंबर 7 अराउंड, नंबर 8 मैरी, नंबर 9 गो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ हमने क्वेश्चन, मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन की कि उसमें क्या था, वो गर्ल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, वो फेयर गई थी. तो और अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, यू हैव टू आंसर दैट. नंबर 1, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो. अब इससे पूछे हाउ डिड मैरी गो राउंड गो, मीन्स मैरी गो राउंड कैसे चलता है. आंसर द मैरी गो राउंड वेंट, गो का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वेंट, डब्ल्यू ई एन टी वेंट. The merry-go-round went round and round. Means merry-go-round कैसे चलता है, round and round चलता है. Then number 2, how did the big brown horse go? Big brown horse कैसे चलता है. Answer, the big brown horse went up and down. Merry-go-round तो round and round चलता है, but big brown horse, जो वो horse पे बैठी थी ना, वो कैसे चलता है, up and down, means ऊपर नीचे ऐसे होता है. Number 3, Have you seen a merry-go-round? क्या आप लोगों ने देखा है merry-go-round? Answer, yes. सबने ही देखा होगा. Yes, I have seen a merry-go-round. Number 4, where have you seen a merry-go-round? अब हमें normal है, ये हमें सबको ही पता है हमने merry-go-round कहाँ पे देखा है. Answer, I have seen a merry-go-round in a fair. Fair means जो मेला लगता है ना वो.
उसे हम इंग्लिश में फेयर बोलते हैं। तो हमने सबने कहाँ देखा है मैरी गो राउंड, फेयर में। नंबर फाइव, वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर? येस ऑफ कोर्स, हम सबको ही फेयर जाना, और बच्चों को तो ज़्यादा पसंद है फेयर जाना, आप सबको ही फेयर जाना अच्छा लगता है। तो आंसर येस आई वुड लाइक टू गो टू अ फेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, राइट अपोजिट्स। नंबर वन, डाउन, डाउन मीन्स नीचे, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऊपर, अप। नंबर टू, इन मीन्स अंदर, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आउट, बाहर। नंबर थ्री, कम मीन्स आना, कम, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गो, जाना। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट राइमिंग वर्ड्स। नंबर वन, ब्राउन, डाउन राइमिंग है। नंबर टू, अराउंड, राउंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।